डिटेंटे, द ईजिंग ऑफ होस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज, कॉपरेशन, यूनिटी, कोलाब्रेशन. दो कंट्रीज जैसे कि उनकी अब दोस्ती हो जाती है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिटेंटे. ठीक है, जो ईजिंग हो गई होस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट था वो उन्होंने हल कर लिया. यूरोपीय यूनियन की मिसालें ले लो, बड़े बड़े उनकी 5,000 साल पुरानी दुश्मनियाँ उन्होंने रिमूव की है. ठीक है, एरेटिकेट ये एक वर्ब है, तो दहरे साइनोनिम भी वर्ब होंगे. गेट रिड ऑफ, निजात पाना. एलिमिनेट, रिमूव, सप्रेस, एक्सटर्मिनेट. टर्मिनेट से याद रख सकते हो, किसी को क्या कर दिया हमने, एक्सटर्मिनेट, जा भाई यहाँ से. डू अवे विथ, एबोलिश, एक्सपंच. डिस्ट्रॉय कंप्लीटली और स्टैम्प आउट, किसी को भगा दिया भाई, चल अब यहाँ से जा. ठीक है, निकाल दिया अपनी लाइफ से, या किसी को मुकम्मल तौर पे मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये भी क्या कहलाता है? एरेटिकेट. तो एरेटिकेट किसको करना चाहिए? हमें अपने अंदर के ईविल को करना चाहिए. ठीक है, अगर आप सेंटेंस बनाओगे कि जो हमारे अंदर ईविल है, कहते हैं ना हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, तो उसको एरेटिकेट कर दो ना. गेट रिड ऑफ, एलिमिनेट, सप्रेस करना. सप्रेस करने के मीनिंग ये भी होते हैं ना, किसी को दबा देना, उस पर गालिब आ जाना. एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट से जहन में रख सकते हो. एक्स पंच, इतना जोर का पंच मारा कि वो, हाँ. टू अवे विथ, स्टैम्प आउट. ठीक है, उसको स्टैम्प से लिख के दे दिया कि तू आउट हो. ठीक है, स्टैम्प लगा दिया, आउट हो जाए यहाँ से. डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, ये सारे के सारे किसके साइनोनिम हो गए? एरेटिकेट. लैश आउट के मीनिंग होते हैं हिट और किक आउट समवन और समथिंग. लेट फ्राई, हिट आउट, स्ट्राइक, किसी को किसी ओहदे से रिमूव करना. ठीक है, कैप्टनशिप से रिमूव करना, चीफ सेलेक्टर से रिमूव करना, तो क्या चीज़ कहलाएगी? लैश आउट. एक तो ना से कोड़े मारना भी इसके मीनिंग में होता है, बातों के कोड़े मारना, किसी पे तंज करना. हॉर्ड एक नाउन है जिसके मीनिंग होते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, बहुत बड़ा ग्रुप. अच्छा, हॉर्ड के मीनिंग मतलब जैसा कि बंजारों का भी ग्रुप होता है, जो मवेशी के ग्रुप्स को भी बाज होगा तो हॉर्ड कह देते हैं. क्रियो, ठीक है, मॉब भी कहलाता है. क्राउड, क्रश, थ्रोंग. अब ये अक्सर लोग नहीं पता याला मुझे, थ्रोंग और सिवाउ, ये हॉर्डिंग नाउन है, तो इसका मतलब है सारे नाउन ही होंगे साइनोनिम्स. लैश आउट क्या था? फ्रेजल वर्ब. ये जो वर्ब के आगे कुछ मखसूस प्रपोजिशन है तो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं. मॉब क्राउड हो गया, क्रश, थ्रोंग और सिवाउ, यानी थ्रोंग बहुत ज़्यादा लोग हैं जमा, तो हम क्या कहेंगे भाई? थ्रोंग है लोगों का, 15-20 लोग हैं. या स्वार्म, ठीक है, एकदम से कोई ग्रुप आ जाए तो स्वार्म. ठीक है, मक्खियों के ग्रुप को भी बाज़ औक़ात कहते हैं स्वार्म, और बहुत सारे लोग जो जमा हो जाए स्वार्म. ठीक है, स्वार्म. सो यानी हॉट के क्या क्या साइनोनिम हो गए? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, क्रियो, मॉब, क्राउड, क्रश, थ्रोंग और स्वार्म. नाउन है और ये सारे इसके साइनोनिम्स हमने. इनके मीनिंग होते हैं अनकॉशियसनेस, अनक्लियर वेज. बेसिकली एक एडजेक्टिव है, यानी जब कोई चीज़ आपको क्लियर कट नहीं दिख रही हो रही, या अनकॉशियसनेस. ठीक है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किसके तौर पे होता है? एडजेक्टिव के तौर पे, 99% केसेस में. हाँ जी, वर्ब के तौर पे भी हो सकता है ब्लैकआउट, और नाउन के तौर पे भी हो सकता है कोलैप्स, लेकिन बहुत कम. आपने एग्जाम के लिहाज से यही याद रखना है, एग्जाम में हैज एडजेक्टिव आता है, अनकॉशियसनेस, अनक्लियर और वेज.